Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is stole as record. आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट कॉस्ट कोटिंग के एक बेसिक टॉपिक के बारे में स्टोर लेजर कार्ड. इसके अंदर जब हम किसी स्टोर के अंदर अपने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल इशू करते हैं और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर जब हम रॉ मटेरियल को इशू करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा इश्यूएंस ऑफ मटेरियल है वो तीन किस्म होता है. एक फर्स्ट मेथड जो हमारे पास फाइफो मेथड होता है, ऐसा मेथड होता है कि जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट हमने जो मटेरियल मंगवाया है और जब हम स्टोर के लिए प्रोडक्शन के लिए जब इशू करते हैं तो उसे हम फर्स्ट टाइम इशू कर देते हैं. और इसके अलावा हमारे पास एक लेफो मेथड होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट इन लॉस्ट आउट, कि ऐसा मटेरियल जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था वो हम एड में जाकर उसको हम इशू करेंगे प्रोडक्शन पर्पज के लिए. तो डेस्ट इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवरेज मेथड है, तो एवरेज मेथड के अंदर हम दोनों को जमा करते हैं और उसमें से प्रोडक्शन के लिए हम उसको रॉ मटेरियल को इशू करते हैं प्रोडक्शन पर्पज के लिए इशू करते हैं. तो डेस्ट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये स्टोर लेजर कार्ड जो है इसके अंदर हम आज हम जो है फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टोर लेजर कार्ड जो है उसके अंदर फैफो जो मेथड है, फैफो के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा मटेरियल हम किस तरीके से उसको इशू करते हैं और किस तरीके से उसका बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं. तो डियर इसके अंदर हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये हमारे पास रेड बुक के अंदर हमारे पास 5.6 हमारे पास प्रॉब्लम है. तो हमारे पास रेड बुक के अंदर इसके अंदर हम प्रॉब्लम आपको पहले डिफाइन करते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके फिर हम उसका सलूशन हमारे पास है, फिर हम वो डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो ये है कि फर्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं कि 5.6 प्रॉब्लम. तो इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्या है, द फॉलोइंग रिपोर्ट्स, फॉलोइंग रिपोर्ट्स देयर आर different dates in the following reports in which material are issued for the production purpose. तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है the following receipts and issue were made of item of store called beta. तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमें बताया गया कि हमारे पास जो हम तैयार करते हैं हमारे पास मार्च का महीना है, तो मार्च 2020 की हम बात करते हैं. तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट मार्च को जो है हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यूनिट रिसीव जो हमने किए वो 2000 रिसीव किए, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है 7.50 है पर यूनिट, जो कॉस्ट है वो 7.50 है. और उसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि 10 डेट के अंदर फिर हमने जो मटेरियल रिसीव किया वो 2000 की है, लेकिन उसके अंदर हम ये है कि 8.5 रुपीस है वो उसकी प्राइस है. और उसके अंदर 50 डेज है, 15 डेज को जब हम देखते हैं 15 मार्च को, तो उसके अंदर हम पीछे ये कि हमने इशू किया मटेरियल इशू किया 1200 यूनिट जो है हमने प्रोडक्शन पर्पस के लिए स्टोर में से इशू कर दी. और उसके साथ हम ये देखें 20 मार्च को हम देखते हैं कि हम 1000 जो है यूनिट वो परचेज किए, लेकिन प्राइस जो है 12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से उसकी कॉस्ट है हमारे पास कॉस्ट है. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 27 की जब हम बात करते हैं 27 डेज को हमने क्या किया इशू किए हैं, इशू क्या किया कि 1200 यूनिट जो है वो हमने इशू किए. और इसके अंदर हम फिर ये देखेंगे कि हमारे पास जो उन्होंने हमारे पास कैलकुलेशन किए हैं कि रिक्वायरमेंट उनकी जो है वो कहते हैं कि कैलकुलेट द इशू मेड ऑन मार्च 15, फिर वो देखते हैं कि रिजल्टिंग स्टॉक ऑफ मार्च 15, फिर वो देखते हैं इशू मेड ऑन मार्च 27, और फिर देखते हैं रिजल्टिंग स्टॉक जो है ऑन मार्च 31 का रिजल्ट. तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर अब हम प्रॉब्लम के द्वारा हमने आपका प्रॉब्लम डिस्कस किया, अब हम उसको प्रॉब्लम को हल करते हैं. अब ये देखते हैं कि हमारे पास मार्च 20 है, ये देखो मार्च 2020, और इसके अंदर अब ये देखिए कि हमने फर्स्ट मार्च में हमारे ट्रांजैक्शन है कि हमने 2000 यूनिट्स जो हैं
वो रिसीव किए हैं, स्टोर के लिए हमने रिसीव किए और उसकी प्राइस जो है 7.50 है, तो टोटल प्राइस जो है वो 15,000 बनती है, 15,000 हमारे पास बनती है। तो इसके अंदर जब हम आते हैं हमारे पास बैलेंस के अंदर देखते हैं कि बैलेंस के अंदर जस्ट हम ये देखते हैं हमारे पास ये 2,000 यूनिट है और उसके साथ उसकी प्राइस है 7.50 है और 15,000 जो है उसकी कॉस्ट है। और उसके बाद सेकंड हमारे पास जो था ये हमारे फर्स्ट मार्च की ट्रांजेक्शन है, जब 10 डेट पे जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन ये है कि 10 डेज में हमने 2000 यूनिट फिर हमने रिसीव किए स्टोर के लिए और उसकी प्राइस जो है 8.50 पर यूनिट है कि 8.50 पर यूनिट। इसके अंदर ये देखिए कि हमने 2000 यूनिट परचेज किए और 1 यूनिट की कीमत 8.50 है और 17,000 जो है उसकी कॉस्ट है। जब हम इसको स्टोर में लेकर जाते हैं, क्योंकि स्टोर में हमारे पास पहले भी 2000 है यूनिट, लेकिन उनके यूनिट की जो प्राइस है पर यूनिट प्राइस 7.50 है और उसके साथ हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास 2000 हमने 10 डेज को हमने परचेज किया उसकी प्राइस 8.50 है। और उसके बाद हम जब स्टोर के अंदर जाते हैं तो स्टोर हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस के अंदर स्टोर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 2000 जिसकी कॉस्ट 7.5 है 15,000 है और उसके बाद हमारे पास 2000 जो है अब हमने दोबारा हमने मटेरियल रिसीव किया है वो 8.50 है 8.50 और उसकी टोटल कॉस्ट जो है 17,000 है। तो दोस्तों इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि अगला जो हमारे पास 15 को हमने 1200 यूनिट जो है वो हमने इशू के प्रोडक्शन पर्पस के लिए इशू किए, अब इशू यूनिट जो है वो 1200 है और उसकी कॉस्ट जो है फैफो मेथड के अंदर के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल हमारे पास हमने फर्स्ट टाइम स्टोर के अंदर स्टोर किया जब हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए इशू कर रहे हैं तो वही मटेरियल जो फर्स्ट टाइम हमने रिसीव किया उसी को फर्स्ट टाइम इशू करके फैफो मेथड के साथ उसके अंदर ये देखते हैं कि 7.50 जो है 7.50 हमारे पास पार्टनर कॉस्ट है और 9,000 जो है वो उसकी टोटल कॉस्ट है ऐसा कि ऐसे यूनिट जो हमने इश्यू पर प्रोडक्शन पर्पस के हमने इश्यू किए। अब हम जब हमारे पास 2000 4000 जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्चुअल यूनिट थे, अब हम ये देखते हैं हमारे पास बकाया जो है वो बैलेंस के अंदर 800 जो है क्योंकि 2000 में से हमने 1200 इशू किए और हमारे पास 800 की प्राइस जो है वो 7.8 है तो हमारे पास कॉस्ट जो है 16,000 है 6,000 है और फिर हम इसके अंदर देखते हैं हमारे पास 2,000 है बैलेंस और उसके अंदर कॉस्ट 8.5 है तो हमारे पास 17,000 जो है वो हमारे पास कॉस्ट है बैलेंस की जो हमारे पास बैलेंस पर है। और उसके बाद फिर हमें ये देखते हैं हमने 20 मार्च को 1,000 यूनिट जो है फिर हमने रिसीव किए हैं, जब हम 1,000 यूनिट जो रिसीव करते हैं 20,000 को 20 मार्च को हमने क्या किया कि 20 मार्च को रिस्टोर हमने 20 मार्च को 1000 यूनिट जो है वो रिसीव किए हैं जिसकी प्राइस 12 रुपीस पर यूनिट है और टोटल हमारे पास 12,000 उसकी प्राइस है। जब हम फिर स्टोर की बात करते हैं दोस्तों उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 807.5 के हिसाब से हमारे पास 6,000 है और उसके साथ हम ये देखते हैं 2,000 है हमारे पास वो उसकी प्राइस 8.50 है 8.50 है वो 17,000 उसकी प्राइस है। और उसके बाद हमने अब जो है रिसेंटली जो है हमने 1000 यूनिट जो है वो क्या किए हैं हमने रिसीव किए हैं, तो जब रिसीव किए हैं तो हमारे पास स्टॉक में आ गए जिसके प्राइस 12 रुपीस पर यूनिट है 12 रुपीस पर यूनिट हमारे पास 12,000 उसकी कॉस्ट आ जाती है। फिर उसके अंदर हमने 27 की जब हम बात करते हैं 27 का जब ट्रांजेक्शन जो है वो इशू दी यूनिट फॉर प्रोडक्शन पर्पस कि हमने 1200 जो है यूनिट वो हमने इशू करवाए हैं, वो इशू किए जब हम इशू करते हैं तो हमारे पास अब पोजीशन ये आता है कि हमारे पास पहले 800 है और उसके बाद हमने अगले परचेज में से उसका रेट अलग है हमने 400 वहां से लिए जिसका रेट 8.50 था
और हमारे पास बैलेंस में 800 यूनिट जो है वो 7.50 के हैं और उसके अंदर 400 यूनिट ऐसे जो 8.50 के हैं, तो हम फिर उसको 12,000 उसको 1200 जो है सॉरी यूनिट उसको पूरा करेंगे। हमारे पास जो इश्यू के अंदर हम देख सकता है इसको हमारे पास 800 7.50 और 400 8.50 और इसके बाद जब हम बैलेंस की इसके बात करते हैं कि 8 बैलेंस 4 जब 400 हम इसमें से हम भी करेंगे हमारे पास 1600 जो है हमारे पास बैलेंस आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 100 है। इसके अंदर जब बैलेंस की बात करते हैं वो 1600 ये यूनिट है जिसकी प्राइस जो है हमारे पास 8.5 है और उसके बाद 1000 यूनिट जिनकी प्राइस 12 रुपीस पर यूनिट है तो उसकी कॉस्ट जो है हमारे पास 12,000 और जो हमारे पास यूनिट है 16 तो उसके 1600 तो उसकी कॉस्ट जो है वो 13,600 है। अब ये बात है कि हमारे पास ये टोटल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है कि हमने डेट जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है किस किस डेट को हमने मटेरियल रिसीव किया और किस किस डेट को हमने उसको इश्यू किया और उसके बाद जब हमारे पास ये इसकी जब रिक्वायरमेंट आ जाती है हम रिक्वायरमेंट ये देखते हैं कि इश्यू डेट ऑन मार्च 15 कि 15 को जो हमने मार्च को 1200 जो है हम जो प्रति यूनिट जो है वो इश्यू किए तो उसको कितने इश्यू किया 1200 ये हमारे पास। तो इसके अंदर हम जब बात करते हैं हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ इश्यू मेड ऑन मार्च 15 तो उसकी कॉस्ट जो है वो 9000 है ये 9000 आ जाती है और 9000 और उसके बाद हमारे डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जब हमने ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बना लिया है फैफो के मेथड हमने एक पूरी से पूरी रसीद बना ली है हमारे पूरा पूरा हमारे पास कॉलम्स आ गए हमने मुकम्मल क्वेश्चन को आगे इस तरह से हम उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कि व्हाट इज द इशू ऑफ इशू मेड ऑन मार्च 15 कि 15 को आपने जो इशू किया है मटेरियल इशू किया है जो मटेरियल यूनिट इशू किए तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट कितने 9000 है तो हमारे पास क्या वैल्यू ऑफ इशू मेड ऑन मार्च 15 को जो हमने मार्च इशू को हमने 15 मार्च को जो हमने इशू किया है मटेरियल उसकी कॉस्ट कितने वो 9000 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये है कि रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 15 कि 15 को हमारे पास जो स्टॉक था मटेरियल का तो स्टॉक जो है वो कितना है। जब हम 15 डेट की बात करते हैं हमारे पास स्टॉक जो है वो हमारे पास 800 यूनिट है और उसके बाद 2000 यूनिट है। जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो आंसर जो आता है प्रश्नों को ये है कि रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 15 तो उसके अंदर ये देखते हैं कि 6000 ये हमारे पास 6000 है और उसके बाद हमारे पास है 17000 ये हमारे पास 17000 आ जाता है। तो ये हमारे पास उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज द रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 15 मार्च 15 को जो हमारे पास जो स्टॉक है वो 6000 और 17000 है वो हमने शो किया। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पोजीशन जो है हमारे पास थर्ड जो हमारे पास गाइड हो गया इश्यू मेड ऑन मार्च 27 कि हमने 27 मार्च को जो है कितने यूनिट इशू किए। हम 27 की बात करते हैं तो 27 की बात जो हम करते हैं वो ये है हमारे पास 27 का जो हमने इशू किए वो 1200 जो है वो हमने यूनिट इशू किए हैं 1200 ये हमारे पास 8 और 4 1200 उनका रेट 800 का जो रेट है 7.50 है और 400 का जो रेट है वो 8.50 है। तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है 16000 है और 3400 की वैल्यू बनती है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास इशू मेड ऑन मार्च 27 जब हम ये देखते हैं तो 27 मार्च को जो हमने इशू डाटा किया उसकी जो वैल्यू है वो 6000 है और उसके बाद हमारे पास 3400 है।
कि हमारे पास 53,400 है, जो हमारे पास 9,400 इसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, 6,000 है और हमारे पास 3,400 प्राइस बनती है, हमारे पास बैलेंस जो आता है हमारे पास इश्यू का, इश्यू की जो अमाउंट आती है वो हमने क्लियर की कि हमारे पास 9,400 आते हैं। और इसके अंदर हम लास्ट हमारा है रिक्वायरमेंट, लास्ट रिक्वायरमेंट है कि रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 37, वो 37 की बात करते हैं, 37 के अंदर हमारे पास जो है वो लास्ट जो है कितना स्टॉक है, हम वही स्टॉक जो है रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 31 का जो स्टॉक मार्च है वो क्या है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 13,600 प्लस 12,000 कि हमारे पास एंडिंग स्टॉक जो है वो 13,600 है और हमारे पास 12,000 जो है वो बैलेंस है, इस तरह से टोटल अमाउंट जो है वो 25,600 रुपीज जो है वो हमारे हम कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास कॉस्ट लेजर स्टॉक, हमारे पास स्टोर लेजर रिकॉर्ड जो है, स्टोर लेजर रिकॉर्ड वो किस तरीके से हम बनाते हैं और उसके अंदर जो है कौन कौन से मेथड होते हैं। आज हमने फर्स्ट मेथड फैफो के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जर्वेशन किया, हमारे जो ब्राइट एजुकेशन का मुताबिक हमारे ब्राइट एजुकेशन का है वो हमारे ब्राइट एजुकेशन के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो हमने आज फैफो को डिस्कस किया, पहले टॉपिक को हमने डिस्कस किया। इस तरीके से जो हम ये देखेंगे फर्दर हम आपको तफसील से इसका लेफ मेथड की समझाएंगे और इंशाल्लाह हमारा ब्राइट एजुकेशन चैनल जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और जो भी हमारे न्यू कमर स्टूडेंट है उनको हमारे ब्राइट एजुकेशन के बारे में लाजमी आगा करें और लाजमी उनको बताया था कि वो हमारे जो है बेसिक कंसेप्ट बेनिफिट क्लास करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें। डियर स्टूडेंट, इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।